हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम YouTube SEO कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं शुरू से पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा एक वीडियो अपलोड करके कि आप प्रॉपर SEO करते हुए किसी वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो आप दूसरों से पीछे रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा और उसका प्रॉपर SEO करके दिखाऊंगा। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा वीडियो कहाँ पर है। ये देखिए वीडियो है, उसका मैंने थंबनेल भी रेडी कर रखा है। तो गाइस, ये दोनों चीज होने की वजह से अब मुझे बीच में किसी एक्स्ट्रा काम को करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कीवर्ड्स क्या है। ये सारे कीवर्ड्स है जो मैंने ढूंढ के रखे हैं। तो अब यहाँ पर दो मेन कीवर्ड है, एक ये है, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो है 2900, यानी कि हम एक बार के लिए मान के चलते हैं इसका सर्च वॉल्यूम है 3000। ठीक है, तो हम इसको अलग रखते हैं, 3000 का है। और ये जो है इसमें है 320, यानी 320 लोग महीने में इसको सर्च करते हैं। इसको 3000 लोग सर्च करते हैं और इसको 320 लोग सर्च करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर डिफरेंस ये आ रहा है कि ये जो कीवर्ड है इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस कीवर्ड का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कीवर्ड का कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है। अब हम इस पर रैंक कर सकते हैं, लेकिन इस पर रैंक करना इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर हमें इस पर रैंक करना है तो हमारे व्यूज़ होने चाहिए, और व्यूज कहाँ से आएंगे, जब हम रैंकिंग में आएंगे। तो कुल मिला के बात ही, अगर रैंकिंग में नहीं तो व्यूज नहीं, और अगर व्यूज नहीं आएंगे तो ज्यादातर कीवर्ड्स में हम रैंक नहीं कर पाएंगे। ये एक रियलिटी है यूट्यूब की। तो गाइस, हमें ट्राई करना है जो लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स है उस पर हमें रैंक करना है। तो अब मान लीजिए इसको 320 लोग एवरेज सर्च करते हैं, हो सकता है किसी महीने में 500 करते हो, किसी महीने में 100 भी करते हो, या फिर 200 भी करते हो, और हो सकता है आने वाले टाइम में 3000 से ऊपर इस कीवर्ड का सर्च हो जाए, क्योंकि पहले के टाइम में जिस कीवर्ड्स का सर्च बहुत ज़्यादा था उन कीवर्ड पर आज सर्च नहीं करते, और आज के टाइम में जिन पर कम है उनको आने वाले टाइम में ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर उस टाइम हमारा वीडियो इस कीवर्ड पर रैंक रहेगा तो हमें बहुत बेनिफिट होगा। तो गाइस, सिंपल सी बात है, हम आज काम करेंगे इस कीवर्ड पर, और इस कीवर्ड को हम डालेंगे जरूर, लेकिन रैंकिंग हम इस पे करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें इसे रैंक करना है तो हमें हमारे जो वीडियो का जो मेटा डाटा है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहले से ही उसी कीवर्ड से इसको रीनेम कर रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको करना ही करना है। हाउ टू गेट फ्री डोमेन एंड होस्टिंग, इस कीवर्ड पर मैंने इसको रीनेम कर रखा है। तो अब जो है ये फ्री डोमेन होस्टिंग, ये इस पर रैंक होगा तभी हमारे बहुत सारे व्यूज आएंगे। इस पर तो हमें महीने के शायद 200 मिल जाएंगे, 250 मिल जाएंगे, लेकिन हाँ व्यू आते रहेंगे। इस पर ट्राई करेंगे तो हो सकता है एक भी व्यू ना आए, तो हम पहले इस पर रैंक करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहला काम हमने कर दिया है, हाउ टू गेट फ्री डोमेन एंड होस्टिंग नाम से इसको रीनेम कर दिया। आपको रीनेम करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो कीवर्ड डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो मैंने फिलहाल ऐसे कर दिया। अब हमारा दूसरा पर्पस है, यह है कि हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसके डिटेल्स में एंटर होके यहाँ पर भी हमें जो डालना है, जो कीवर्ड हमें रैंक करवाना है, वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। ये चीजें और भी लोगों ने बताई होगी, लेकिन गाइस इस वीडियो को अगर आप पूरा फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और हम सबटाइटल में ये डालेंगे, फ्री डोमेन होस्टिंग। यहां डाल दिया हम टैग्स में। अब टैग्स डालते टाइम हमें ध्यान ये रखना है कि हम टैग्स सारे डालेंगे। अगर सारे लेता हो तो हम सारे डाल देंगे। वैसे तो मैं आमतौर पे कम ही डालता हूं, लेकिन जितना ज्यादा हम डाल पाए उतना ही सही रहता है। तो गाइस, ये भी हमारा हो गया है। तो अब हम इसमें आगे हमें सिर्फ ईयर डालना है यहाँ पे, जैसे कि अभी हम 2019 में ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो हमने 2019 यहाँ पर डाल दिया। तो इतना होने के बाद हमें इसे अप्लाई करना है और ओके करना है।
ये मेटा डाटा है, ये कहीं ना कहीं से YouTube रीड करता है, और हमारे वीडियो के अंदर भी हमें बोलना है कि हम क्या बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर, यानी कि हमारा जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को हमें हमारे वीडियो के अंदर बोलना है। अभी ये वीडियो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो आपने देखा है तो आप देख, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और अगर देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस कीवर्ड को इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है। तो YouTube हमारे वीडियो को सुन भी सकता है, तो उसके थ्रू भी रैंक करता है, क्योंकि गूगल का जो नया एल्गोरिथम है उसके हिसाब से वॉइस SEO भी बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ को रैंक करने के लिए। तो वॉइस SEO बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम अपने YouTube वीडियो में रखें या फिर हम अपने वेबसाइट पर रखें। तो गाइस हमने ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारा वीडियो अपलोड होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो गाइस हम इसको सबसे पहले डालते हैं अपलोडिंग में। ये मैंने अपलोड का पेज ओपन कर रखा है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर लूँगा, ड्रैग करके यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दूंगा। तो गाइस अभी इसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स डाल देते हैं। और कोशिश करना जब भी अपलोड हो रहा हो और प्रोसेसिंग चल रही हो, इसी में आप अपने ये सारा डाटा भरने की कोशिश करें। होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाते अगर अपन लेट थोड़ा डालते हैं। तो हम करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पहले से ये आ गया है, क्योंकि हमने इस नाम से रीनेम किया था। लेकिन अब मैं यहाँ से इस टाइटल को यहाँ पे कॉपी करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि हमने यही टाइटल क्यों लिया। ठीक है, ये 97 लेटर्स का है और हम 100 लेटर्स तक डाल सकते हैं, तो मैंने 97 लेटर का डाल दिया। और अब यहां पर आप देख सकते हैं जिस कीवर्ड पे हमें रैंक करना था वो मैंने सबसे पहले डाला है। ठीक है, और इसी को हमें यहां पर भी डालना है। यहां देख सकते हैं मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में ही सेम चीज को डाल रखा है। और अब ये टाइटल बना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। गाइस सिंपल सी बात है, हमें पता है कि इसको 320 लोग सर्च करते हैं और हमें इस पर रैंक करना है, तो इसे तो शुरू में रखना ही रखना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब इन सारे कीवर्ड्स में आप देख सकते हैं गेट है इस कीवर्ड पे। ठीक है, गेट हमने ले लिया, फ्री डोमेन एंड होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग सब आ गया। अब इस कीवर्ड में देखिए बाई भी है। ठीक है, लेकिन ये बाई कीवर्ड हमारे पूरे टाइटल में कहीं भी नहीं है, यहाँ तक तो नहीं है, तो हमें बाई का भी यूज करना था, तो मैंने बाई यूज करके एक और कीवर्ड यहाँ डाल दिया। अब आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पे वर्डप्रेस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहता था कि मेरे टाइटल में एक बार वर्डप्रेस भी आ जाए। यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स के अंदर सी पैनल आ रहा है, तो मैं चाह रहा था कि टाइटल में सी पैनल भी आ जाए, तो मैंने हर चीज को इन्वॉल्व करते हुए टाइटल बना दिया। अब भी एक वर्ड मिसिंग है इसमें, लाइफ टाइम। आपने देखा होगा मेरे थंबनेल में, आप अगर वो वीडियो चेक करेंगे तो थंबनेल में आपको मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए यहाँ पे थंबनेल में मैंने लाइफ टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बात यह कि लाइफ टाइम मिसिंग है और मैं डालना चाहता था, लेकिन इतनी जगह नहीं होती कि हम लाइफ टाइम भी डाल दें और सब कुछ डाल दें, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए उसको नहीं डाला है, वो मैं आगे डालूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब यही कीवर्ड हमें यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे भी चाहिए टैग्स में, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और हम इसको टैग्स में डाल देंगे फर्स्ट पोजिशन पे। तो फर्स्ट पोजिशन पे जो भी कीवर्ड हमें चाहिए था वो हमें हमने डाल दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करने के लिए सिर्फ हमने इतना लंबा टाइटल लिया है, और टाइटल लंबा रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग कहते हैं छोटा रखना चाहिए, लेकिन आप अपने सारे कीवर्ड्स को उसमें इन्वॉल्व कर दें, क्योंकि पता नहीं किस कीवर्ड पे आपका वीडियो रैंक हो जाए, और अगर वो टाइटल में नहीं है तो रैंक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब हम दूसरा कीवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा कीवर्ड जब आप एंटर करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके टाइटल वाला ही दूसरा कीवर्ड आप एंटर करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि रैंकिंग में टाइटल ज़्यादा पावरफुल होता है टैग से कंपेटिवली। तो ये देखिए हमने टाइटल का दूसरा कीवर्ड डाल दिया। अब हम सी पैनल वाले जो कीवर्ड है और वर्डप्रेस वाले जो कीवर्ड है उनको हम डाल सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे ये वर्डप्रेस वाला कीवर्ड भी ले रहा हूँ और यहाँ पर इसको डाल रहा हूँ, और इसके बाद मैं जो सी पैनल वाला है वो भी लूंगा और इसको यहाँ पर एंटर कर दूंगा। अब हमें डालना है हमारा हाई सर्च वॉल्यूम वाला दो तीन ऊपर के कीवर्ड। ये जो तीन कीवर्ड्स हैं इन पे सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, और आपको जैसे मैंने बता दिया था कि इसके 3000 है, तो हमने ये तीनों कीवर्ड को कॉपी कर लिया और हम यहाँ पर इसको डाल देंगे तीनों कीवर्ड्स को। अब जो बचे कुचे कीवर्ड्स हैं, अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं,
इसलिए हम इन सारे कीवर्ड्स को एंटर करने की कोशिश करेंगे अगर ये लेता है तो, क्योंकि 500 की वर्ड लिमिट भी होती है तो हमें वो भी ध्यान रखना है। तो गाइस इतने कीवर्ड मैंने डाल दिए, अब इसी में 500 से ऊपर चला गया, 711 तक चला गया, तो हमें बहुत सारे इसमें से अब डिलीट भी करने पड़ेंगे। तो हम इनमें से कुछ कुछ कीवर्ड्स को हटा देंगे। अब जैसे फ्री सब डोमेन होस्टिंग, अब हमें इसे सब डोमेन की तो ज़रूरत है नहीं, तो हम यहाँ पर सब डोमेन वाले कीवर्ड को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब 686 हो गए। और अब हमें इनमें से कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर चाहिए तो थे, लेकिन अब हम इनको नहीं डाल सकते क्योंकि ऑलरेडी ये भर चुका है, तो अब हमें इसमें से इनको थोड़े बहुत हटाने पड़ेंगे। तो हम कोई जो रेलिवेंट ज़्यादा नहीं हो उनको हटाएंगे। तो गाइस अब हमने वो सारे कीवर्ड्स हटा दिए जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा थे, और हमें क्योंकि रखना था 500 से नीचे तो हमने अब रख दिया 500 से नीचे। अब हमें डालना है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे कीवर्ड्स हटाने पड़ गए और बहुत सारे कीवर्ड्स हम डाल भी नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, चलता है। तो अब हम जब ये डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे कीवर्ड्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो भले ही हमारे टैग्स में नहीं हो लेकिन हमारे डिस्क्रिप्शन में ही आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर फ्री डोमेन एंड वेब होस्टिंग फॉर लाइफ टाइम, मैंने आपको कहा था कि लाइफ टाइम वाला कीवर्ड मैंने टाइटल में नहीं रखा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाइफ टाइम कहीं ना कहीं इस वीडियो के मेटा डाटा में रहे, तो मैंने अब देखिए यहाँ पर इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का है, फ्री डोमेन होस्टिंग का, तो वो जो कीवर्ड है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ये देखिए फ्री डोमेन होस्टिंग। और अब इन सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 288 लेटर्स का यहाँ पर कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन बन गया है। तो YouTube कहता है कम से कम 200 कैरेक्टर्स का आपको रखना है या फिर 300 का रखना है, तो हमने रख दिया है 200 से 300 के बीच हमने रख दिया है, बहुत है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर हर वीडियो में अपने Facebook पेज का और Instagram का भी लिंक देता हूँ, क्योंकि आउटबाउंड लिंक्स होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वेबसाइट हो या फिर यूट्यूब वीडियोज़ हो। तो गाइस हमने ये भी कर दिया है, तो कुल मिला के हम जितना भी डालना चाहते थे हमने सब डाल दिया है यहाँ पर। अब एक सिंपल सा एक कीवर्ड और डाल दूंगा मैं यहाँ पर, होस्टिंग, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास 9 कैरेक्टर्स और बाकी है, और होस्टिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा सर्च होता है और हाई CPC कीवर्ड भी है। तो ये जितने भी कीवर्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे के सारे हाई CPC है। हाई CPC मतलब इस पर जब एड्स आएंगे तब महंगे एड्स आएंगे। ये सारे चीज़ें कैसे, ये सारे कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं, हाई CPC कैसे सर्च करते हैं, हाई सर्च वॉल्यूम वाले कैसे सर्च करते हैं, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर मैं सारा इसी वीडियो में बताता तो बहुत लंबा हो जाता। तो गाइस फाइनली हमने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा टाइटल बना दिया है, हमने डिस्क्रिप्शन बना दिया है और हमने टैग्स भी यहाँ पर लिख दिया है। और ये अपलोड चल रहा है अभी भी 68% पे। अब ये अपलोड कंप्लीट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद हम थंबनेल अपलोड करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों अब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमने थंबनेल भी अपलोड कर दिया है। और थंबनेल को भी अगर आप रीनेम कर दें अपने कीवर्ड से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं कैसे कब कहाँ से व्यूज़ आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको भी रीनेम करके अपलोड किया है। और इसके अलावा सब कुछ आप देख चुके हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ और कीवर्ड्स यहाँ पर डाले हैं। अगर आप डायरेक्टली कीवर्ड्स एंटर करते हैं तो गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, ये योर क्वेरीज के साथ एंटर करोगे अगर आप यहाँ पर सारे कीवर्ड्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन डायरेक्टली अगर आप कीवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो गाइस यही था पूरा SEO करने का टेक्निक अपने वीडियो का। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।